सो हे यूट्यूब फैमिली, दोबारा से आ गए यार काइट फाइटिंग की वीडियो लेके। काफी दिनों से आप लोग बोल रहे थे काइट फाइटिंग की वीडियो नहीं आ रही है। क्या बताऊं भाई, हवा ही नहीं चल रही मेरी छत पे। जैसे हवा चलती तो मैं वीडियो बना लेता हूं। चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चील भी आ गई यार, देखो कितनी पास उड़ रही है। ये देखो चील आ गई पतंगबाजी करने, पूरी लाइट में उड़ रही है भैंस की। आगे इसकी भैंस की देखो, कबूतर वबूतर परेशान करते साड़ी ने। खैर पहले तो हम काफी देर तक भाई ट्राई करते रहते कि हमारी पतंग उड़ जाए, क्योंकि भाई हवा बिल्कुल भी चली नहीं रही थी। पता नहीं क्यों बारिश होने के बाद हवा बिल्कुल चलती नहीं है, और फिर पूरा 2 घंटा वेस्ट करने के बाद फाइनली हवा चल जाती है। और अब चलो तुम्हें पेच लड़ा के दिखाते हैं। सो पहला पेच हमारा आ गया है। पतंग मेरी थोड़ी सी राउंड है, थोड़ी खराब हो गई पतंग मेरी, पता नहीं कैसे। तो पेच हम ट्राई करेंगे कि फंसा के लड़ाए। तो ये वाली पतंग जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली पतंग मेरी है, और अपोनेंट हमारा राइट हैंड साइड से आ रखा है, वो ऊपर से पेच लड़ाएगा। खैर हमारा एक बेनिफिट और हो गया, बेशक से हमारे पास घूमने वाली पतंग है, लेकिन जो हमारी पतंग है ना गाइस, वो अंदर के चक्कर ज्यादा ले रही है, और इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। हमें बस पेच फंसाना और अंदर के चक्कर देना, उसकी पतंग सामने वाले की इजीली कट जाएगी। फिलहाल पेज फंस चुका, अब देखते हैं किसकी पतंग कटेगी। फिर हमारा जो सामने वाला अपोनेंट है भाई, उसके पास है चाइनीज मंजा, और कम से कम नहीं तो भाई हमारा 20-25 सेकंड वाला पेज चला था। देख रहे हो भाई, मतलब तब जाके उसकी पतंग कटी है। भाई निंजा 30 डिग्री का आगे कोई बोल सकता है क्या? फिलहाल हमारा एक और पेच आ गया, और ये वाला पेच मात्र तो मैं 0.1 सेकंड में काट के दिखाने वाला हूँ। तो ये वाला पेच देखने में तुम्हें और ज्यादा मजा आएगा। जो पतंग मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली पतंग मेरी है, और हवा तेज है तो भाई पेच फंसा के लड़ेंगे। और हवा तेज है तो बिल्कुल हल्की सी डोर बस तुम्हें टच करनी है। वो देखो भाई पतंग काट भी दी, और निंजा मंजा भाई फंसा के पेच लड़ाने में तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स देता है। खैर अब जो पेच तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये वाला पेच देख के तुम्हें भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी 2 पतंग उड़ रही है। एक पतंग मैं उड़ा रहा हूँ, दूसरी पतंग वह उड़ा रहा है। जिस बंदे को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला बंदा हमारा अपोनेंट है, और ये वही बंदा है जो भाई चाइनीज मंजे से उड़ा रहा है। जिसके बाद हम प्लान बनाते हैं, बैबू इसमें भाई पेच फसाएगा, और मैं नीचे से इसकी पतंग खींच मार के काट दूंगा। और इस बंदे का चाइनीज मंजा इतना ज्यादा मोटा है, मैं 3-4 बार ट्राई करता हूँ इसकी पतंग खींचने की, लेकिन फिर भी इसकी पतंग नहीं कटती है। देखो जरा, और फिर पूरा 1-2 मिनट पेच चलने के बाद फाइनली इसकी पतंग कट जाती है। लेकिन देख लो भाई, फिर भी चाइनीज मंजा कितना ही मोटा, कोई फायदा नहीं है। फिलहाल हमारा एक और पेच आ गया, जो पतंग मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाली पतंग मेरी है। अपोनेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से पेच लड़ाएगा। तो चलो जल्दी से इसकी पतंग काट के दिखाते हैं। फिलहाल मैं अपोनेंट के हाथ की तरफ घुस चुका हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं करता, बहुत तेज की बाहर की खींच मारनी है। सो फिलहाल हमारा एक और पेच आ गया है, जो पतंग मार्क कर रहा हूँ ये वाली पतंग मेरी है, और ऊपर से जो पतंग आ रहा है ये अपोनेंट की काइट से, पहली गई। अब देखो दूसरी भी जाएगी। अब जो पतंग मार्क करो ये वाली पतंग मेरी है, और अब पेच देखो और मजे लो। पकड़ नहीं इधर से, मैं तो रख तो दी, पकड़ लेना हाथ में। गद्दा मार दे अब जिस बंदे की मैंने पतंग काटी थी, उसकी पतंग भाई काफी डोर में कट के गई थी, और मेरी पतंग जो राउंड थी वो भाई घूमे जा रही थी, चक्कर ले जा रही थी, जिसके कारण से भाई उसकी पतंग मेरी पतंग में लपेट जाती है। बारिश आने की संभावना है, पतंग कट गई मेरी, लपेट गई थी, और फिर तुमने देखा ही होगा कैमरे में अगर आया हुआ तो, पतंग टूट गई मेरी। बाकी उस पतंग से काटे 7-8 पेचे, निंजा का कमाल है भाई ये। ये झालर वाली पतंग उड़ा रहा है, जो कि इससे नहीं उड़ रही। मेरे को लग रहा है मेरे को उड़ा के देनी पड़ेगी। मंजा वही हमारा निंजा 30 डिग्री। चलो उड़ा बेटे, फिलहाल हमारा एक और पेच आ गया। ये जो पागल पतंग है, ये वाली पतंग मेरी है, और नीचे भी एक पिंडी की पतंग उड़ रही है। देखो इसको कैसे गद्दा मार के काटते हैं। Easy. वो जा रही है, लहरती हुई जा रही है गाइस, लपेट मत अपनी जाएगी। एक बंदे की मैंने पतंग काटी, पतंग थोड़ी ज्यादा ही।
गोलमाल है भाई। फिलहाल हमारा एक और पेच आ गया पागल पतंग से। जो पतंग मैं मार्क कर रहा हूँ वाली पतंग हमारी है। हमारी पागल पतंग नीले गुड्डे को काटेगी। काटेगी आपके तो काटेगी गाइस, काटेगी इसके चूतिया। ये इधर चूतिया बच्चे कहते हैं ये। वो काट दी, वो काट दी, वो कट गई इसकी। चूतिया बच्चे कहते सारा कमान बन जाएगा, इसकी कोई गलती नहीं है। एक थप्पड़ ही मारूंगा, पट्टिया में जाके गिरेगा, दादा बोलेगा इससे लड़ा काले गुड्डे से। अभी देखना खिंचवाएगा पतंग अपनी, खिंचवाएगा खिंची। बहुत बढ़िया। तो भाई आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल।